गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब। एग्जामपुर के चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो बच्चे आप क्लास को लाइक एंड शेयर कर दें। अभी अभी आपकी क्लास ज्योग्राफी की हुई थी, मैम ने बहुत अच्छा पढ़ाया था, आप बहुत अच्छा रेस्पॉन्ड देते हो, ये बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है एनिमल किंगडम, जंतु जगत, प्राणी जगत। हमारी पृथ्वी पर लगभग 11.5 से 12 लाख एनिमल्स पाए जाते हैं, जिनको हम एक साथ स्टडी नहीं कर सकते, इसलिए उनके हम ग्रुप्स बनाकर, संघ बनाकर, फाइलम के रूप में उनको हम स्टडी करते हैं। अब इनको ग्रुपिंग करने का, फाइलम में बांटने का आधार क्या है, किस किस आधार पर इन सब एनिमल्स को ग्रुप में बांटा गया है, पहले हम उन पॉइंट्स को देखेंगे। एनिमल्स में कौन कौन से आधार हो सकते हैं, उनको सभी एनिमल्स को अलग अलग रखने के, एक जैसे एक साथ रखेंगे, अलग अलग को अलग अलग रखेंगे, तो इसी आधार पर हमने इन सब जंतुओं को अलग अलग किया है। ठीक है, एनिमल किंगडम। अब एनिमल किंगडम में जो एनिमल्स आते हैं उनके कौन से ऐसे 4 प्रमुख लक्षण हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं वो एनिमल है। पहला तो है बहुकोशिकीय, दूसरा है यूकैरियोटिक ससीम केंद्रक वाले, न्यूक्लियस प्रेजेंट, जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी सभी कोशिकाएं इन सब एनिमल्स की केंद्रक युक्त होती हैं, न्यूक्लियस के साथ होती है। हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक है परपोषी, ये अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते, ये सब एनिमल्स अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करते हैं, चाहे वो मांसाहारी हो चाहे शाकाहारी हो, खाएंगे दूसरे को। अब इनके लिए भोजन की जो श्रृंखला शुरू होती है वो पौधों से शुरू होती है। ठीक है, शाकाहारी पेड़ पौधों के भाग को खाते हैं, मांसाहारी शाकाहारी को खाते हैं, इस तरीके से इनकी खाद्य श्रृंखला बनती चली जाती है, जिसे हम फूड चेन कहते हैं। और फोर्थ जो कंज्यूमर दे रखा है इसके अंदर, यानी उपभोक्ता, उपभोक्ता सभी एनिमल्स कंज्यूमर्स होते हैं, बिकॉज वो दूसरे के द्वारा बनाया गया खाना उनके शरीर के रूप में हम खाते हैं। हम सीधे कहें तो हम प्लांट्स को ही खाते हैं, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, क्योंकि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है सन से पौधों में आती है, पौधों से एनिमल्स में जाती है। तो हम पूरी तरीके से हमारे पृथ्वी पर पाए जाने वाले समस्त जितने भी जंतु हैं सब सनलाइट के ऊपर ही निर्भर करते हैं लाइफ के लिए। सनलाइट यदि ना हो तो पृथ्वी पर कोई भी जीवित नहीं बच सकता, इसीलिए कहा जाता है कि सनलाइट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ, राइट। तो ये 4 पॉइंट है। अब इन्हीं पॉइंट के आधार पर हम एनिमल किंगडम में आगे की ओर बढ़ते हैं, और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर ये बांटा गया है। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण के आधार, वर्गीकरण के आधार। पहला पॉइंट है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर। संगठन का स्तर, संगठन का स्तर का मतलब यहां पर यह है कि एनिमल सेल्स से मिलकर के बने हैं, या टिश्यू से मिलकर के बने हैं, या ऑर्गेन से मिलकर के बने हैं, या ऑर्गेन सिस्टम,
जैसे हम सब का जो शरीर है ऑर्गेन सिस्टम के द्वारा बना है, बहुत सारे अंग तंत्र से मिलकर के हम बने हैं। सरलतम जीव में केवल कोशिकाएं पाई जाती है, कोई ऊतक भी नहीं होता। ठीक है, जो सरलतम थे उनसे थोड़े से जटिल हुए, उन वो ऊतक के बनने लगे। ऊतक होता है ग्रुप ऑफ सेल्स, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। ऑर्गेन यानी अंग। ठीक है, कुछों में कुछ अंग पाए जाते हैं, अंग तंत्र नहीं होता। अंग का मतलब जो अकेला ही किसी एक काम को करता है, किसी दूसरे से कोई सहयोग ना ले। और अंग तंत्र यानी कई सारे अंग मिलकर के और उसको और स्पेशलाइज्ड कर देता है अपने कार्य करने के लिए। तो ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसी के अंदर बॉडी प्लान भी दिया गया है। बॉडी प्लान का मतलब यह है, जैसे बॉडी प्लान में हम देख सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र कंप्लीट या इनकंप्लीट, इनकंप्लीट या कंप्लीट। जैसे मैं समझा देता हूं कैसे बताना है आपको, इनकंप्लीट या कंप्लीट। इनकंप्लीट में क्या होता है, माउथ और एनस एक ही है, एक ही ओपनिंग होती है, उसी को माउथ बोल देते हैं, उसी को एनस बोलते हैं। जहां से खाते हैं वहीं से जो खाना पच नहीं पाता उसे बाहर निकाल देते हैं। तो कई सारे एनिमल ऐसे हैं जो अपूर्ण, जिनका पाचन तंत्र होता है अपूर्ण, पूरा नहीं है। और कंप्लीट वाले वो होते हैं जिसमें माउथ और एनस अलग अलग होते हैं। अलग अलग जैसे हम सब, ज्यादातर एनिमल्स माउथ अलग होता है, एनस होता है। तो बस ये एक बॉडी प्लान का एक आधार दिया है। तो आप समझ गए होंगे, इनके आधार पर हमने इन एनिमल्स को बांटने की शुरुआत करी, कंप्लीट और इनकंप्लीट से होते हुए। बाकी सेल टिश्यू ये सब हो गए। अब हम नेक्स्ट लेवल पर चलते हैं, सिमेट्री। सिमेट्री का मतलब होता है सममिति, सममिति। सममिति का मतलब होता है देखने में एनिमल कैसा लगता है। जैसे सपोज कोई एनिमल इस शेप का है, दूसरा एनिमल शेप यही है लेकिन उसके ऊपर कुछ भी उग जाता है, टेढ़ा मेढ़ा, और एक ऐसे करके है बिल्कुल एक जैसा लग रहा है दोनों तरफ से। ये तीन तरह की सिमेट्री हम यहां समझाते हैं आपको, तीन तरह की। यदि हम इस जो आपको स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है या सर्कुलर दिख रहा है, इसको हम इस तरह से कट करते हैं, दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर में आएंगे, एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। यहां से काटे तो भी एक दूसरे के मिरर, यहां से काटे तो भी एक दूसरे की, यहां से काटे तो भी एक दूसरे की, यानी कैन बी कट इंटू टू पीसेस थ्रू मैनी प्लेन। किसी भी तल से काटने पर यदि दो बराबर हिस्सों में हम बांट सकते हैं, इफ वी कैन डिवाइड और कट द एनिमल इंटू टू इक्वल हाफ्स,
थ्रू एनी प्लेन, कहीं से भी काटे तो ये रेडियल सिमेट्रिकल होगा, रेडियल अरीय। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं वो जो इस तरह कहीं से काट, ज्यादातर ऐसे कई सारे स्पंज होते हैं, कहीं से काटे एक जैसे। अब हम इस स्ट्रक्चर को देखें, इस स्ट्रक्चर को देखने में लग रहा है कहीं से भी काटेंगे हम, वी कैन नॉट गेट टू इक्वल हाफ्स, एक जैसे हिस्से हमें इसके नहीं मिलेंगे, चाहे हम यहां से काटें, ठीक है, नो इक्वल हाफ्स। By any plane, किसी भी तल से काटने पर, ऐसी स्थिति में इनके साथ लग जाएगा asymmetrical। असममिति, असममिति asymmetrical है। और जो अब तीसरी कैटेगरी आ गई है, इसके अंदर हम देखें ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, वी कैन कट दिस एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ्स थ्रू वन प्लेन, हम सेंटर से काटेंगे तो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होंगे, ठीक है, इसे बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल द्विपार्श्वीय। बाइलेटरल सममिति इनके अंदर देखने को मिलती है। तो एक तो ये आधार, हम कोई भी एनिमल हम दुनिया का उठाते हैं, देखते हैं, इनमें से किसी न किसी एक कैटेगरी को जरूर फॉलो करेगा। अच्छा, ज्यादातर में क्या है, जो हमने फाइलम्स बनाए हैं जो पढ़ने जाएंगे, एक्सेप्शंस तो मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर या तो कोई इसे फॉलो करेगा फाइलम, या इसे, या इसे, ठीक है, इनमें से किसी एक को लेगा। जैसा पीछे था कंप्लीट इनकम्प्लीट, या सेल, या सेल्स, या टिश्यू, या ऑर्गेन, ऑर्गेन सिस्टम, किसी न किसी एक को फॉलो करेगा। यही वर्गीकरण का आधार होता है, और हम वर्गीकरण को पहले बता भी चुके हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इतने लाख जीवों को हम नहीं पढ़ सकते, हम तो ग्रुप बनाकर उसमें से जो प्रमुख होगा उसको पढ़ लेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम कमेंट्स देख लेते हैं, बच्चे हमारे क्या क्या बोल रहे हैं, ठीक है बच्चे, भाई लाइक एंड शेयर जरूर कर देना, जो किसी का डाउट हो तो वो पूछ लेना, डाउट हो तो लिख देना कमेंट में, ठीक है। तो नेक्स्ट पे चलते हैं, अब हम तीसरा आधार ये है, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो, डिप्लो का मतलब द्विकोरिक, और ट्रिप्लोब्लास्ट का मतलब त्रिकोरिक। ऐसा है, देखो हम सब ये समझते हैं कि हम सब का जन्म हमारा जायगोट से हुआ है, लाइफ ऑफ एनी एनिमल बिगिंस फ्रॉम ए जायगोट, जायगोट से पहले बनती हैं दो लेयर, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। यदि कोई एनिमल इन दोनों लेयर से बनता है तो वो होगा डिप्लोब्लास्टिक। व्हेन द जायगोट डिवाइड्स इट फॉर्म्स द थाउजेंड्स ऑफ सेल्स, और उन सेल्स में से दो लेयर बन जाती हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म।
और यदि ये दो लेयर पूरे एनिमल का निर्माण कर देती है तो वो होते हैं डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिक। और यदि इनके साथ साथ ये तो रहेगी रहेगी, ये भी रहेगी, एक तीसरी लेयर और बन जाती है जिसे बोलते हैं मीजोडर्म। इसे कहते हैं मीजोडर्म। मीजोडर्म। अब तीन लेयर हो गई, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। ये तीन लेयर से बनने वाले को हम कहते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। द एनिमल्स विच डेवलप्स फ्रॉम थ्री, इन्हें हम जर्म लेयर भी कहते हैं। जर्म लेयर्स यानी हमारे पूरे शरीर का निर्माण करने वाली हमारी सबकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है। तीन जर्म लेयर से हम सबका डेवलपमेंट हुआ है, थ्री जर्म लेयर से। दो से होता तो हम डिप्लोब्लास्टिक होते, लेकिन डिप्लोब्लास्टिक वाली तो बहुत लोअर कैटेगरी के जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ये गुण पाया जाता है। समझ गए, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब इसके बाद जो अगला आधार है, नेक्स्ट, सीलोम। सीलोम का मतलब होता है बॉडी कैविटी या गुहिका। बॉडी कैविटी या गुहिका, ठीक है, सीलोम, बॉडी कैविटी और गुहिका। इसका मतलब यह है यदि बॉडी के अंदर कैविटी है तो ऐसे को हम कहते हैं, तीन कैटेगरी में इसको हम बांटते हैं। पहली सीलोमेट, दूसरी एसीलोमेट, तीसरी स्यूडोसीलोमेट। ये तीन तरह के एनिमल्स हो गए। कोई का उपस्थित गोही का उपस्थित एसीलोमेट। एसीलोमेट का मतलब होता है जिसके अंदर सीलोम एब्सेंट हो, नो बॉडी कैविटी, शरीर के अंदर कोई कैविटी ना हो, नो बॉडी कैविटी, ठीक है, पूरी तरह से ठोस बना हुआ है, अंदर कोई जगह नहीं है, खाली स्थान शेष नहीं है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम, इसे तो होगा गुहीय प्रगुहीय, और इसे बोलते हैं कूट प्रगीय। कूट का मतलब फाल्स, झूठा। इसके अंदर जो स्यूडोसीलोमोटे हैं, फाल्स बॉडी कैविटी प्रेजेंट। और इसके अंदर कोई गुहिका नहीं होती, हम बता चुके, फिर एक बार फिर बताएं, कोई गुहिका नहीं। इस प्रकार से इन तीनों के आधार पर सीलोम में हम डिवाइड हो जाएंगे। हमारे अंदर कैविटी है, वी आर सीलोमेट, और जिनके अंदर बिल्कुल नहीं है, एसीलोमेट, जिनके अंदर फाल्स वाली है लेकिन पार्शियल है उसे हम फाल्स या स्यूडो, स्यूडो का मतलब होता है झूठा, स्यूडो सीलोम पाई जाती है, स्यूडो सीलोम, झूठी वाली, कूट वाली, इसीलिए कूट गुही है, ठीक है।
तो अब आप समझ गए होंगे, गुहिका के द्वारा हो गया और ये एसिलोमेट हो गया। और तो अब नेक्स्ट, अब इसके आधार पर नेक्स्ट पॉइंट है जिसके आधार पर हम इनको डिवाइड करेंगे। सेगमेंटेशन, खंड युक्त खंडन। जब शरीर खंडों में बटा होता है, जैसे अर्थवॉर्म, केचुआ, अर्थवॉर्म, ठीक है, सेगमेंटेशन, खंड में यदि बॉडी बटी है, ठीक है, तो ये हो गया सेगमेंटेशन। और नहीं है तो है सेगमेंटेशन। अब नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड एक प्रकार की इस तरह की एक संरचना होती है जो आगे जाकर, जिससे रीढ़ की हड्डी बन जाती है, ये आगे जाकर रीढ़ की हड्डी में परिवर्तित हो जाती है, जिसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, उन्हें कहते हैं हम कॉर्डेट्स। और जिनमें एब्सेंट होती है उन्हें कहते हैं हम नॉन कॉर्डेट्स। यानी नोटोकॉर्ड की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी जीवों को बांटा जाता है। नोटोकॉर्ड के आधार पर इस तरह से हमारे ये छह प्रमुख ऐसे पॉइंट हो गए जिसमें हमने इन सब एनिमल्स को बांटा है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट, अब चलते हैं हमारे इसके आगे का हिस्सा जो होगा हमारा फाइलम वाला, उनसे मुख्य अब शुरू होगा हमारा। ऐसा है, देखो ये आ गया पहला फाइलम। हम यहां पर 10 फाइलम पढ़ेंगे, 10 संघ। फाइलम्स, टेन फाइलम्स में, ठीक है तो ज्यादा, लेकिन हमारे मतलब के इतने ही है, 9, 10, 11 इतने तक में हमारे जो मुख्य, जो हमारे मतलब के चाहिए, जिनका हमें पता होना चाहिए ये एनिमल किस फाइलम का है, उतना। पोरीफेरा, मैरीन, लवणीय जल में जो पाए जाते हैं, सीधा कहें तो जो समुद्र में पाए जाते हैं। और इसके अंदर आने वाले ज्यादातर जीव समुद्र के अंदर ही पाए जाते हैं। स्पंज, इसका प्रमुख एग्जाम्पल है स्पंज। स्पंज वो जीव होते हैं जिनके अंदर, जैसे स्पंज हम सिंथेटिक स्पंज देखते हैं, हवा बढ़ जाती है, पानी बढ़ जाती है, उसे हम दबाते हैं तो हवा और पानी निकल जाते हैं, ठीक है। ऐसा ही स्पंज भी, इनके ऊपर छेद छेद होते हैं पूरी बॉडी में, पानी भरा है तो इसे दबाते हैं तो पानी निकल जाता है, हवा है तो हवा भी निकल जाएगी, ठीक है। और एसिमेट्रिकल, असममित, जैसा अभी बताया था हमने, असममिति, असममित बताया था, इनकी शेप कुछ कुछ ऐसे करके होती है, पूरी बॉडी पे छेद होते हैं, ऐसे करके भी शेप हो सकती है, ऐसे करके पूरी बॉडी पे, ऊपर एक बड़ा होल होता है, यहां पर पूरी बॉडी पर छेद होते हैं, पोर्स प्रेजेंट है, इसीलिए इनको पोरीफेरा बोला गया है।
और एक तो ये लिखा है ना फिक्स्ड ऑन रॉक्स, ये चट्टानों पर चिपके रहते हैं। चट्टानों पर चिपके रहते हैं, चट्टानों फिक्स रहते हैं। ये इतने सरलता में कि एनिमल की जब हम बात करते हैं तो हम एनिमल की कल्पना करते हैं जो एनिमल एक जगह से दूसरी जगह भोजन की तलाश में और अपनी सुरक्षा में जो जा सकते हैं उन्हें हम एनिमल मानते हैं। लेकिन ये तो इतने सरलतम है कि ये तो एक ही जगह रहते हैं ना आरंभ में, इसलिए इनको एनिमल्स के रूप में स्वीकार करने में थोड़ी दिक्कत आई, इन्हें पौधे माना गया। लेकिन जब इनके लक्षण देखे, जो चार लक्षण बताए थे, बहुकोशिकीय होते हैं ये, हेटरोट्रॉफिक होते हैं ये, कंज्यूमर होते हैं, उनके आधार पर ये इनको फिर एनिमल्स के साथ ही रखा गया। क्योंकि बाकी सब लक्षण, विशेष रूप से जो भोजन नहीं बनाते ये दूसरों के द्वारा बनाए हुआ खाते हैं, और जो भोजन खाते हैं वो सब एनिमल्स होते हैं, ठीक है। और ये केवल केवल कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं, केवल कोशिकाओं से ही मिलकर के बनते हैं, इनके अंदर कोई टिश्यू तक नहीं होता, यानी हर कोशिका अपने आप में स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, इसकी एक कोशिका का दूसरी कोशिका से कोई संबंध नहीं। आमतौर से होता क्या है, कुछ कोशिकाएं काम करती हैं बाकी मजे लेती हैं, मजे का मतलब उनसे दी गई चीजें यूज करते हैं। हम प्लांट्स में देखें, पत्तियां भोजन बनाती हैं, जड़ पानी का और खनिज का अवशोषण करती हैं, तना मजे लेता है, ठीक, क्यों, क्योंकि सिस्टम बना हुआ है वहां, तुम ये काम करो, डिवीजन ऑफ लेबर है, सबके काम आपस में बटे होते हैं, तुम ये करो तुम ये करो, इसलिए बटे रहते हैं। तो उसी आधार पर इन सब का डिवीजन ऑफ लेबर रहता है, लेकिन इसमें सभी कोशिकाएं जो होती हैं इंडिपेंडेंट होती हैं, उनका एक दूसरे से कोई मतलब नहीं होता। ऑस्टिया और ऑस्कुलम, इनके ऊपर ये जो पोर्स दिखाई दे रहे हैं ये तो है ऑस्टिया, इन्हें हम रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा की तरह ही है ये। और जो बड़ा वाला होता है, जो यहां पर ऊपर एक सिंगल ओपनिंग बड़ी होती है, उसे ऑस्कुलम कहते हैं, ऑस्कुलम। यहां से पानी एंटर करता है इन छेद से और इससे बाहर निकलता है, ये इनकी प्रक्रिया है, ठीक है। तो ये हो गए ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम, वॉटर विद फूड को ले जाने के लिए, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल का मतलब नर और मादा एक साथ, नर मादा एक ही जीव में, आप समझ गए, एक ही जीव में मेल और फीमेल होते हैं, उन्हें कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपना काम अपने आप कर लेते हैं, जनन की प्रक्रिया। बाकी ज्यादातर यूनिसेक्सुअल होते हैं, या मेल या फीमेल, जहां जहां हरमे जो जो बाइसेक्सुअल होंगे, जैसे केंचुआ बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उसके लिए भी कहा जाता है, लेकिन वो अपना जनन स्वयं नहीं करता, दूसरे की सहायता से करता है, एक दूसरे को स्पर्म ट्रांसफर करते हैं। डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, कोई बहुत अच्छा लक्षण नहीं है, कर सकते हैं, मतलब ये सीधे जो होते हैं ना इनडायरेक्ट है, सीधे बच्चों को जन्म नहीं देते, लार्वा प्यूपा स्टेज चलती है, लार्वा के रूप में बच्चे देते हैं, अंडे में से बच्चे निकलेंगे, ठीक है, तो लार्वा, लार्वा से आगे फिर बढ़ेगी, तब जाकर के इनकी लाइफ शुरुआत होती है। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जो एग्जाम्पल देखो, मुख्य रूप से हमें इनके मुख्य लक्षण और इनके अंदर कौन सा उदाहरण आता है वो हमें चाहिए। ये देखो ये फिगर भी दिखा दिया यहां पर, ये साइकोन स्पॉन्जिलार यू स्पॉन्जिया, पूरी बॉडी पे ये छेद छेद आपको दिख रहे होंगे, यहां पर रेड से दिखा देते हैं हम, यहां पे ये पूरी बॉडी, ये बड़े होल्स ऊपर है, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। यदि हम समुद्र की दुनिया में कभी मौका मिला आपको कहीं जाने का, समुद्र के अंदर एज ए डाइवर जा रहे हो और ऐसी चीजों को जब जमीन पर देख करके आओगे तो आपको लगेगा यही स्वर्ग है, ठीक है, डेंजर भी होगा
पर लेकिन आपकी यहाँ की दुनिया को इतना कलरफुल, इतनी सुंदर दिखाई देती है, आपने एनिमल प्लेनेट पे या डिस्कवरी पर या नेशनल ज्योग्राफिकल चैनल पर ये प्रोग्राम देखे हो, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ठीक है, पंकज यादव, रिंकू, संध्या सभी उपस्थित हैं। ठीक है, राम सूरज, ठीक है, ये कमेंट्स हमारे ही आ रहे हैं ना। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। अगला फाइलम आ गया सीलेंटेटा। सीलेंटेटा कमेंट चले गए यार। अच्छा, सीलेंटेटा या निडेरिया, इस फाइलम का नाम सीलेंटेटा या निडेरिया। निडेरिया ठीक है। अब इसके अंतर्गत आने वाले जितने भी जीव हैं जलीय, और जलीय में ही बता दिया खारा जल, लवणीय जल, मैरिन का मतलब हो गया समुद्री जल में पाए जाने वाले, और इनके अंदर विशेष रूप से ये वाली जो नीडोब्लास्ट है, नीडोब्लास्ट, ये जो कोशिकाएं होती है ना, ये पॉइजन छोड़ती हैं। पॉइजन सीधा कहें तो डंक मारने वाली, ये डंक मार देती हैं, ठीक है, डंक मारने वाली। और जब इन एनिमल्स को कहीं असुरक्षा महसूस होती है तो ऐसी स्थिति में ये अपनी इन नीडोप्लास्ट कोशिकाओं से हमला कर देते हैं। अब इनके अंदर टिश्यूज स्टार्ट हो गए, ऊतक, अंग अभी भी नहीं है, टिश्यूज बन गए पर ऑर्गेन नहीं बने। डिप्लोब्लास्टिक, पीछे डिप्लोब्लास्टिक भी नहीं थे, यहां से डिप्लोब्लास्टिक की शुरुआत हुई। क्यों? क्योंकि यहां पर अब दो तरह की लेयर बनने लगी, द्वि कोरिक जिसे हमने नाम दिया था पीछे, द्वि कोरिक, माउथ एंड एनस इनके सेम होते हैं, मुख और गुदा। अभी पीछे हम एग्जाम्पल भी दे रहे थे, गुदा एक ही, स्केलेटन इनका कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इसके प्रमुख एग्जाम्पल में बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये जेलीफिश वाला, ऑरेलिया इसका नाम है, जेलीफिश मछली नहीं है, ये तो सीलेंटेटा का मेंबर है। इसी के अंदर आते हैं गॉर्गोनिया, सी फैन, ये वाले क्वेश्चन इस तरह के रहते हैं कि सी फैन बिलोंग्स टू, कई सारे फाइलम के नाम दे दिए, उसको आप कहां रखोगे, उन सबको बांटने के लिए कौन सा किसका मेंबर होगा, उसके आधार पर इनको रखा जाता है, इनके नाम के जो भी गुण हैं। तो नाम पे मत जाना, सोचो कि ये तो मछली होगी या तो ये फैन कुछ और होगा, ऐसा नहीं है, ये इसके मेंबर हैं। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम दिखाया ना, ये हाइड्रा को दिया हुआ है, हाइड्रा आप लोगों ने किसी ने लैब में शायद देखा भी हो, ये दिखाया भी जाता है, इसकी स्लाइड में इसकी बनी होती है, लैब में दिखाया जाता हाइड्रा, वो भी सीलेंटेटा का मेंबर है। नेक्स्ट, इसके और भी बड़े प्रमुख मेंबर हैं जो हमें याद रखने हैं, इन्हीं क्वेश्चंस की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है कि ये कौन से फाइलम को बिलोंग करते हैं। सी एनिमोन एडम्सिया,
पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर फाइसेलिया। अब आपको यह लग रहा होगा कि पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर प्रथम विश्व युद्ध में पुर्तगाल ने फाइसेलिया को समुद्र से निकालकर और जमीन पर डाल दिया, यानी जो सेना आ रही थी हमला करने तो ये उनसे चिपक गए बॉडी पर। पहले जूते और कपड़े बहुत ज्यादा सुदृढ़ तो होते नहीं थे, तो ये बॉडी पर चिपक गए, हाथ में, पैर पे, जांग पर, कमर पर, पेट पर। तो इन्होंने उन जो हमला करने आ रहे थे जो मिलिट्री के, उन सबको बेहद घायल कर दिया। और स्टिंजिंग सेल्स होती हैं, डंक मारने वाली कोशिकाएं होती हैं, हाईली एलर्जिक होती हैं। तो ये कहा गया कि जो फाइसेलिया है पुर्तगाल की तरफ से इसने लड़ाई करी थी उनको बचाने के लिए, इसलिए इन्हें नाम दिया गया पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर। ब्रेन कोलर मैंड्रीना, मैंड्रीना ब्रेन कोलर है। सी पेन सी फेदर पेनेंटुला, पेने टुला। सी फर ओवेलिया, हो गया। तो इस तरीके से अब इसके अंदर आने वाले जितने भी ये आपको विचित्र लग रहे होंगे, यही आपको याद रखने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे। ऐसे ही क्वेश्चंस की आने की पॉसिबिलिटी रहती है। कौन सा आ जाए नोबडी नोज, ये जितना आप अभ्यास करोगे सीखोगे उतना ही इसमें से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटीज रहेंगी आने की। तो याद हमें एक एक पॉइंट रहना चाहिए। तीसरा है ये टीनोफोरा, ये बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा एनिमल इसके अंदर नहीं आते, ये सीलेंटेटा से ही अलग करके बनाया गया था। इन्हें कॉम्ब जेली कहते हैं, कंघा होता है ना, कंघा उस तरह की इनकी शेप होती है, कंघे के आकार की। अभी भी इनके अंदर ऊतक पाए जाते हैं और अरीय सममिति है। अरीय बताया था बिल्कुल जो गोल होते हैं, कहीं से भी काटो दो बराबर के हिस्से आपको मिल जाएंगे। बाइसेक्सुअल है, बाइसेक्सुअल जो अभी बताया था, फिर सिंबल बनाते हैं, ये नर और मादा एक ही में होते हैं तो अपना जनन ही अपने आप ही कर लेते हैं। अब इसके अंदर कॉम्ब जेली, तो ये प्रमुख इसके नाम के आधार पर हो गया। सी गूजबेरी, गूजबेरी होता है आंवला, ठीक है, आंवला। आंवले को हम ध्यान से देखें तो आंवले के ऊपर आपको, मैं इसी तरह से इसी का यही कॉम जेली बताना चाह रहा हूं, इसके ऊपर आपको ऐसे करके आठ निशान दिखाई देंगे। आंवला को हम ध्यान से देखें तो उसके ऊपर धारियां दिखाई देती हैं, इसलिए इसका नाम सी गूजबेरी रखा गया है। अब कुछ ऐसे होते हैं सी वॉलनट, जैसे वॉलनट का मतलब अखरोट, अखरोट के ऊपर हम देखते हैं जैसे उसके ऊपर काफी उतार चढ़ाव दिखाई देते हैं, हर जगह से एक जैसे से लगते हैं, उसका एग्जाम्पल है हर्मीफोरा, और इसका हो गया प्लूरोब्रेकिया। हालांकि ये साइंटिफिक नेम आने की भी कम संभावना है, सबसे ज्यादा तो ये सी गूजबेरी बिलोंग्स टू दिस, सी वॉलनट टू दिस, कॉम्ब जेली बिलोंग टू दिस, पूरे उनको ही बोलते हैं। तो कॉम ये जो निशान दिखाई दे रहे हैं ना कंघे पे, जिस तरीके से धारियां होती हैं उसी तरह के निशान इन पर मिलते हैं, अलग अलग शेप के, साइज के ये पाए जाते हैं, और ज्यादातर इसमें समुद्र के अंदर ही होते हैं, ये सब मैरीन हैं, समुद्र के अंदर पाए जाने वाले। नेक्स्ट अब बिल्कुल खरबूजे की तरह, बिल्कुल सही है, नर्मादा एक ही में होते हैं बिल्कुल, हाँ जैसे खरबूजे पे निशान होते हैं, लेकिन नाम इसका गूसबेरी आंवले के आधार पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, ध्यान से पढ़ते रहेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ये चीजें नो डाउट बायोलॉजी को समझने में, जीव विज्ञान थोड़ा दिमाग ज्यादा लगता है, ठीक है।
देखो इंटरेस्टिंग तो ये हम खुद सोचे मन से बैठेंगे तो हम इंटरेस्टिंग भी नहीं है तो उसे भी इंटरेस्टिंग के रूप में पढ़ें। कभी कभी हम घर में खिचड़ी भी खाते हैं और कुछ लोग खिचड़ी बहुत पसंद होती है, खिचड़ी सेहत के लिए अच्छी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमें ऐसे कुछ चैप्टर भी रखने चाहिए जिनको हम खिचड़ी की तरह भी खाएं जो हमारे कई रोगों का इलाज करेंगे। अब रोगों में इलाज हमारे सिलेक्शन में सहायता करेंगे ऐसे टॉपिक से ये। ठीक है बच्चों, तो अब आ गया ये प्लेटी हेलबेंथीस। जैसा नाम से लग रहा है प्लेट के रूप में, प्लेटी हेलबेंथीस, चपटे कृमि आते हैं इसमें, चपटे कृमि, और ये बीमारी करते हैं हमारी बॉडी पर, परजीवी के रूप में रहते हैं अंदर आंतों में। ठीक है, ये रहा टेप वॉर्म। टेप वॉर्म ये बीमारी होती है उनमें, इसको बीमारी को कहते हैं परजीवी का, वो नाम भी लिख देता हूं मैं, टीनियसिस। टीनियसिस, टीनियसिस वो बीमारी होती है जो आंतों में जो कीड़े हो जाते हैं, टेप वॉर्म हो जाते हैं, और होती किससे वो भी बता दें, पोर्क खाने से होती है। पोर्क होता है पिग मीट। बाइलेटरल सिमेट्री है, यानी हम बीच में से दो हिस्सों में काटेंगे तो अलग अलग हो जाएंगे एक ही तल से। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, तीन जर्म लेयर हैं, और नो बॉडी कैविटी, कोई सीलोम नहीं है। ट्रिप्लोब्लास्टिक त्रिकोरिक, तीन जर्म लेयर से बने हुए अंग तंत्र यहां से स्टार्ट हो गए। अभी तक पीछे ये नहीं था, अभी तक पीछे ये नहीं थे अंग तंत्र बनने शुरू हो गए। फ्लेम सेल्स, ज्वाला कोशिकाएं, इनका काम होता है उत्सर्जन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, उत्सर्जन के लिए इनका कार्य रहता है। ठीक है, लिवर फ्लू एक और एग्जांपल है, ये यकृत में इंफेक्शन करता है। फेसियोला इसका नाम है, फेसियोला हिपेटिका इसका नाम है। तो ये और ये जो मिलता है टेप वॉर्म, ये आंतों में मिलता है इंटेस्टाइन में, आंतों के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ गए होंगे, हम नेक्स्ट फाइलम पे चलते हैं। अब एसके हेलमिंथीज, एसके, इसी को हम निमेट हेलमिंथीज भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये है। इनके अंदर राउंड वॉर्म्स आते हैं, यानी गोल कृमि आते हैं, गोल कृमि। निमेट हेलमिंथीज राउंड वॉर्म्स। ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक दो जर्म लेयर, अंग तंत्र, और ये बहुत प्रमुखता से ये पैरासाइट परजीवी के रूप में, यानी बीमारियां करते हैं दोनों में ही। बीमारियां प्लांट्स में भी और एनिमल्स में भी। राउंड वॉर्म सबसे ज्यादा हमारी, आपका बचपन में से कई विद्यार्थी के पेट में यदि लंबे लंबे इस तरीके के कीड़े हुए होंगे वो राउंड वॉर्म होते हैं, गोल कृमि होते हैं, एस्केरिस, और इस बीमारी को बोलते हैं हम एस्केरियसिस, उस बीमारी का नाम। और ये भी बीमारी बहुत कॉमन है, इसे बोलते हैं हम
फाइलेरियसिस, और इसका दूसरा नाम हाथी पांव भी है। अब शायद याद आ जाएगा आप लोगों को, हाथी पांव एलिफेंटियसिस, जिसमें पैर हाथी के बराबर मोटे हो जाते हैं, एलिफेंट के बराबर। ठीक है, तो एस के एल्बेंथीज में ये दोनों बहुत प्रमुख बीमारियों में से, और ये जो एस्केरियसिस होती है गंदा खाना खा लेने से होती है, मतलब गंदगी के वाला खाना, मतलब बच्चे जो होता है रोड के साइड पर जहां पर गंदगी रहती है, मल पड़ा हुआ है वहीं पर खाना गिर गया, रोटी गिर गई, उठा के खा लिया। ठीक है, गंदे हाथ ना धोना खाने से पहले, तो कई बार ऐसी बीमारियों को जन्म देता है। और फाइलेरिया तो हमने पहले भी आ चुका है, बता चुके हैं, फाइलेरिया होती है क्यूलेक्स मच्छर के काटने से, ये ट्रांसफर होती है। क्यूलेक्स मच्छर, इसका मोड ऑफ ट्रांसफर होता है क्यूलेक्स, जैसे मलेरिया का एनाफ्लीज होता है, इसका क्यूलेक्स मच्छर होता है। आंख में भी एक इंफेक्शन हो जाता है लोआ, पानी में, गंदे पानी में नहाने से आंख में इंफेक्शन की संभावना होती है। लोआ एक छोटा वॉर्म है जो आंख में चला जाता है, आंख को काफी डैमेज भी कर देता है। हुक वॉर्म, एंकाइलोस्टोमा, ये भी आंतों में जाकर चिपक जाता है और काफी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाता है। पिनवॉर्म, ये पिनवॉर्म बिल्कुल बहुत छोटे छोटे होते हैं, इनका साइज इन दोनों का 1 सेंटीमीटर से भी छोटा होता है, जबकि जो राउंड वॉर्म जो एस्केरिस है इसका साइज तो 5 से 7 इंच तक होता है, अच्छे खासे बड़े होते हैं। और जो पीछे भी हमने राउंड वॉर्म पड़े थे, वो टेप वॉर्म, उनका साइज तो मीटर में भी हो जाता है, बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। और जब ये अंदर इतने ज्यादा हो जाते हैं ना, आंतों में सर्जरी तक भी करानी पड़ जाती है और जानलेवा भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा न्यूट्रिशन खा जाते हैं और अंदर इतना गुच्छा बन जाता है कि वहां से मल आगे निकल ही नहीं पाता, जिसकी वजह से हम जो खाते हैं वो इकट्ठा रहेगा, ज्यादा खाया नहीं जाएगा, सर्जरी नहीं कराई तो जानलेवा भी हो जाती हैं चीजें। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम एनेलिडा, इसे फ्रेंड ऑफ फार्मर्स कहा जाता है, किसानों का मित्र, क्योंकि इसके अंदर आता है विशेष रूप से अर्थवॉर्म। केंचुआ, इसके अंदर केंचुआ आता है अर्थवॉर्म। और इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बिकॉज ये मिट्टी की जुताई करता है, मिट्टी की जुताई। आपने साइज अपने अर्थवॉर्म का देखा ही है, 5-6 इंच लंबा हो ही जाता है, और ये जब मिट्टी के अंदर चलता है तो मिट्टी को हवादार बनाता है और साथ ही मिट्टी को उपजाऊ बनाता है, क्योंकि ये अपनी स्किन से यूरिया छोड़ता रहता है। यूरिया यहां से होता है, नेफ्रीडिया के द्वारा ये यूरिया छोड़ता है, और यूरिया खाद का काम करता है, तो ये अपनी स्किन से और मल के द्वारा ये यूरिया छोड़ता रहता है, चलता रहता है, खाता जाता है, निकालता जाता है, तो हमारे किसानों का ये मित्र हो जाता है। क्योंकि जुताई का मतलब होता है मिट्टी को हवादार बनाना, ऊपर की मिट्टी नीचे, नीचे की ऊपर, आपस में मिक्स कर देना। और ये जो चलते हैं, चलने के लिए ये वाले अंग हैं इनके, सीटा और पैरापोडिया के द्वारा ये एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गति करते हैं। पैरापोडिया एक तरह से पैर दिखाई नहीं देते इनके, ठीक है, तो उन्हें जो बॉडी जिनसे चलते हैं, बॉडी की मस्कुलर पार्ट हैं, उनके द्वारा ये चलते हैं। हीमोग्लोबिन इनका प्लाज्मा में घुला रहता है, इनके कोई आरबीसी नहीं होती, आरबीसी नहीं है तो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में ही घुला रहता है, ब्लड का जो तरल भाग है उसमें ही हीमोग्लोबिन घुला रहता है। ठीक है, ये अर्थफॉर्म हो गया,
फेरेटिमा इसका वैज्ञानिक नाम, किसानों का मित्र हो गया। ये लीच भी इसी में आती है, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है लीच। हिरुडिनेरिया, आप में से कई बच्चे बचपन में यदि गए होंगे तालाब में नहाने, गांव की पोखर में, पानी में, नदी में, तो हाथ पैर पे कई बार जोक लग जाती है और हमारे गाय भैंस के तो लगी जाती है, फिर उसे नमक डाल करके छुटाते हैं क्योंकि वो खून पीती है, ठीक है। तो लीच, सैंड वॉर्म, ये भी बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है। आप लोगों ने बरसात के दिनों में ज्वार बाजरा मक्का के खेत में देखा हो, लाल लाल रंग की छोटी छोटी गिटार जैसी पड़ी रहती है, जिनमें हल्के हल्के पैर दिखाई देते हैं, वही पैरापोडिया होते हैं, नेरीज कहते हैं। और ये पिंकिस होती हैं, रेडिस होती हैं, और इनका साइज 1.25 इंच, 1.5 इंच से बड़े नहीं होते, आधा सेंटीमीटर 1 इंच तक, ये इनका साइज 1.5 इंच तक भी होता है। पूरे गुच्छे के गुच्छे में ये पड़े मिल जाते हैं, जिन्हें देखने में बड़ा गंदा लगता है हमें। तो सैंड वॉर्म इसी के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर आने वाले ये हो गया अर्थवॉर्म, लीच और सैंड वॉर्म। अब आप समझ गए होंगे कि और ये जितने भी है ना, एनेलिडा का मतलब वही है, खंड युक्त होते हैं सब, ये सेगमेंटेशन होता है, खंड युक्त खंड। और जो जो हिरुडिनेरिया लीच होती है, ध्यान रहे, लीच में 33 खंड फिक्स हैं, और कैचुआ के अंदर 100 से 120। इसमें कोई फिक्स नहीं है, 10 12 15 से लेकर 50 तक 100 तक हो सकते हैं, छोटे छोटे खंड होते हैं। हां, लीच के फिक्स हैं, लीच के अंदर केवल 33 खंड ही पाए जाते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज फिर हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आज हमने जो कराया ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अंत में क्लास के फिर बच्चे जो भी हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं, क्लास को लाइक एंड शेयर कर देंगे, ठीक है। और तो आज हम क्लास यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है बच्चों। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय एग्जामपुर।